वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, समय बज चुके हैं सुबह के 10 और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग के। मॉर्निंग के तो लगभग सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है और कल शाम के समय धोए थे इतने सारे कपड़े, तो अभी जाकर लेकर के आ रहे हैं छत से। तो फिर अब सबसे पहले ये सारे कपड़े करेंगे फोल्ड। इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भाभी फोल्ड करके लेकर के जा चुके हैं और कुछ अभी यहाँ पर है, तो अभी इनको फोल्ड करेंगे। उसके बाद अभी बाकी ये झाड़ू पोछा लगाना तो वो काम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि लाइट ने भी इतना दुखी कर रखा है ना भाई। गॉड, कल से ही लाइट आ रही है जा रही है, 5-5 मिनट में आ रही है जा रही है। तो ना ही गर्मी से बचने के लिए कूलर का यूज़ कर सकते हैं और ना ही कुछ, तो इसीलिए गर्म से तो वैसे ही बेहाल है हम लोग। तो इससे पहले कि जब लाइट चली जाए फटाफट से ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके संभाल देते हैं। भाभी तो फटाफट से लग गए हैं सारी चीज़ें अरेंज करने में, मैं भी ये बच्चे कुचे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ ताकि फटाफट लाइट के रहते रहते सारे काम हो जाए, फिर मस्त कूलर की हवा में बैठ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, 2 बज चुके हैं और आज तो बिजली की गर्म से हालत बहुत ख़राब हो रही है। आज सुबह से लाइट भी नहीं है और गर्म भी बहुत हो रहा है, इसीलिए बिजली भी कभी घूमने के लिए जा रहा है, कभी आ जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। बिजली पानी पिएगा? और बिजलू को पानी पिलाते हैं यार, इसको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये एक जगह पर रह भी नहीं पा रहा है गर्म से, इसका कुछ उपचार करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 6 और मैं हूँ घर के बाहर और बाहर हो रखी है कितनी तेज़ धूप। इस टाइम पर भी हवा तो चल रही है लेकिन गर्म हवा है, अंदर लाइट है नहीं जिस वजह से बाहर आ रखे हैं। अंदर भी गर्म और बाहर भी अगर हवा चल रही है तो वो भी गर्म हवा। और मम्मी ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कपड़े वगैरह धोना, परसों से लेकर के आज तक के जितने भी कपड़े थे वो सब अभी धोए जा रहे हैं। मम्मी और जय भी पहुँच गए थे दिन में 4:30 बजे के आसपास घर पे। कपड़े वगैरह धोने के बाद से सारे पौधों में बाल्टी के द्वारा पानी वगैरह डाल रहे हैं मम्मी, क्योंकि इतना गर्म हो जा रहा है। देखो, मॉर्निंग में पानी डाला था उसके बावजूद इस टाइम तक पौधों के हाल बेहाल हो गए हैं, इतनी तेज धूप होने की वजह से सब मुरझा जा रहे हैं। यहाँ सोया है हमारा बिजलू। बिजलू को इतना गर्म हो जाता है कि बिजलू जगह ढूंढता है अपने लिए और अब उठ रहा है बिजलू। आज बहुत गर्म हो गया था ना बिजलू को, म्याऊ 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 कर रहा था हर जगह जगह जा जा करके। अब मुंह हाथ धो रहा है बिजलू, गर्म हो रहा है बिजलू अभी भी। अब बाहर आ जा। ये देखो, हम लोगों का बिजलू गर्म से इतना परेशान हो चुका है कि खाना भी किस तरीके से खा रहा है सोच सोच के। वो भी खाएगा उतना ही जितना उसमें विस्कस होगा, गर्म से इसका भी मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का। चलो भाई, कम से कम नमकीन खाना शुरू तो किया इसने। खाने का तरीका भी देखो जरा इसका, सोए सोए खा रहा है। सात बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं और बिजलू बैठे हुए हैं घर के बाहर और इस समय आने लग गई है अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा, इसीलिए बिजलू भी बाहर आ गया। बिजलू का तो फिक्स टाइम रहता है, वो जैसे ही मौसम थोड़ा इस टाइप का होता है तभी आता है बाहर, अदरवाइज अंदर ही सोया रहता है। अभी बाहर आ करके मुँह हाथ धो रहा है और थोड़ी देर में देखना चला जाएगा घूमने के लिए जब मौसम थोड़ा सा और ठंडा सा होगा तब। बिजलू का ऐसा ऐसा करने से ना अच्छा लगता है, तो देखना। हाँ, इसको माऊ, ये देखो हाथ पकड़ के और करो कहता है ये, और अभी देखना। हाँ, ये देखना, इसको ऐसा करना अच्छा लगता है। माऊ, धीरे धीरे से बिजलू वहाँ पर पहुँच गया है और वहाँ से भी डिसाइड कर रहा है कि मैं कहाँ को जाऊँगा। जहाँ को उसको जाना जैसा लगेगा फिर वहाँ को चल पड़ेगा बिजलू। माँ, वो देखो खुजली मैन को, तू बिजलू है? हाँ, तू बिजलू है? नहीं बना उसका मुड़ जाने का, यहाँ पर बैठ गया।
जाएगा आराम से सोच समझ के, जब इसको हम नहीं देखेंगे ना तब निकलेगा ये। ठीक है फिर, बाय बाय बिजलू। सो फ्रेंड्स, बजने वाले हैं 8 और जय भी आ चुका है वॉलीबॉल खेल के, तो जय की डिमांड पर आ चुका है उसके लिए ठंडा पानी। लेकिन जय को चाहिए था जलजीरा, लेकिन उसको मिल गया है फ्रेंटा। भाभी सबको दे रहे हैं आज ठंडा ठंडा पानी फ्रेंटा। जय के लिए जलजीरा नहीं मिल रहा है, मैं भी ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है रेडी। और देखो फिर से हो गए हम लोग सबके साथ एक साथ। कल तक मैं और भाभी थे, उससे पहले मैं और मम्मी, लेकिन आज हम लोग चारों के चार आ गए हैं क्योंकि मम्मी और जय पहाड़ घूम फिर करके। तो अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी और सब साथ में मिल करके करते हैं अपना डिनर। और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।